वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। यूनिट हमारी चल रही है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग का हम एक स्पेशल एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा कम्युनिकेशन। पीछे वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, कम्युनिकेशन के टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया। आज हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम सिर्फ ऑफिशियली इंफॉर्मेशन को ही शेयर करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें शेयर नहीं होती है। दूसरी बात, पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल रहता है, ये कम्युनिकेशन जानबूझकर किया जाता है और जहां पर भी हमको इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है वहां किसी प्रॉब्लम के बिना ही वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। खर्चा हमारा कम से कम होता है और हमारा एक प्रॉपर रास्ता होता है इंफॉर्मेशन को पहुंचने का। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए ए बी सी डी ई, ए ने मान लो ई को अपनी बात पहुंचानी है तो एक प्रॉपर चैनल से होकर बात जाने वाली है। पहले ए अपनी बात बी को कहेगा, बी सी को, सी डी को, देन ई के ई तक बात जाने वाली है। एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन डिस्टोर्शन नहीं होती है, इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता है, बातों के अंदर कोई नमक मिर्च मसाला लगाकर आगे नहीं भेजा जाता है। जो इंफॉर्मेशन ऊपर से निकली थी वही की वही नीचे तक पहुंचती है, ये है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब इसमें जो बातें होती हैं वो अनऑफिशियली होती हैं, पर्सनल बातें भी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं, अफवाहें भी हो सकती हैं, किसी भी टाइप की बातें इसमें हो सकती हैं क्योंकि कोई रिलेशन फिक्स नहीं होता है ना। ये कम्युनिकेशन किस बेस के ऊपर होता है, कुछ लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, या कुछ लोग लगा लो कि एक ही क्लब के मेंबर हैं, हो सकता है कि उस क्लब का मेंबर अब चाहे मैनेजर हो चाहे उस कंपनी का इम्प्लॉय ही क्यों ना हो, तो क्योंकि एक ही क्लब के मेंबर है तो उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। एक ही क्लब के मेंबर होने की वजह से वो आपस में बातें डिस्कस कर लेते हैं, वो बातें डिस्कस जो होती हैं वो किसी भी लेवल की किसी भी टाइप की हो सकती हैं। दूसरी बात, इसमें फॉर्मेलिटीज की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन होता है, कभी कभी तो पार्टी में या कहीं पर खाने पे मिले या किसी सोशल ओकेजन पर कोई अवसर ऐसा आया कि वहां पर लोग आपस में मिले और ये बातें आपस में शुरू शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे को कमेंट दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, इसलिए हम इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं ग्रेपे वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपे वाइन को हिंदी में बोलते हैं अंगूर, अंगूरीलता। जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है, उस गुच्छे के अंदर आपको पता नहीं होता कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, इसलिए इसमें बातों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब हम देख लेते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहली बात, ये कम्युनिकेशन मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में होता है, कभी कभी ओरल में भी होता है, बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं। पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिटन में हो सकता है, ओरल में हो सकता है, या कोई आप कोई सिंबल यूज कर सकते हो। जैसे मान लो क्रिकेट के अंदर अंपायर क्या करता है, उंगली उठाकर आउट का इशारा देता है, तो इस प्रकार से किसी सिंबल के थ्रू हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कम्युनिकेशन ओरल के अंदर होता है, मौखिक के अंदर ही होता है। दूसरी बात, ये फॉर्मल रिलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। देखो, ए बी का बॉस है, बी सी का बॉस है, सी डी का बॉस है और डी ई का बॉस है, तो इसमें एक फॉर्मल रिलेशन है, पर इसमें कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं होते हैं, सारे रिलेशन सोशल रिलेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। लोग आपस में कहीं पार्टी में मिले, शादी में मिले, आपस में अच्छे दोस्त बन गए, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर होनी स्टार्ट हो गई, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तीसरी बात, इसके अंदर रास्ता फिक्स होता है, मैंने आपको बताया इसके अंदर रास्ता फिक्स रहता है, इसमें रास्ता फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ए ने सीधी अपनी बात ई को बोल दी, या ई ने जाकर बी को बोल दी, बी ने जाकर डी को बोल दी, डी ने फिर ए को बोल दी, तो इसमें कोई रास्ता फिक्स नहीं होता है। चौथी बात, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, इसमें सिर्फ वही मैसेज पास किए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, बट इसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनल मैसेज भी ये लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। मान लो पार्टी में मिले, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो बात कर ही लेते हैं, पर्सनल बातें भी हो जाती हैं, पर इस फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बातें होती हैं। पांचवी बात, ये जानबूझकर किया जाता है, बट ये जानबूझकर नहीं होता, ये फ्री फ्लो हो जाता है। पार्टी में मिले, बातें स्टार्ट हो गई, ऑफिस की बात हो गई, घर की बात हो गई, इधर की बात उधर की बात, ये फ्री फ्लो कहीं पर भी बैठे बैठे स्टार्ट हो जाता है, पर इसमें क्या है, ये जानबूझकर एस्टेब्लिश किया जाता है।
एक वहां पे रिलेशन सेट किए गए हैं कि ये इसका बॉस रहेगा, ये इसका बॉस रहेगा। तो इसीलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर रास्ता फिक्स होता है, रिलेशन फिक्स रहते हैं, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसका सबोर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, सारी बातें पहले से फिक्स होती हैं। इसलिए ये एफर्ट जान करके होता है, मैसेज कम्युनिकेशन करना, बातों को पहुंचाना बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से होता है। छठी बात, मेंटेनेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स। इसमें अथॉरिटी की पद की ग्रिमा, जो अथॉरिटीज का जो स्टेटस होता है उसकी जो ग्रिमा होती है, उसका जो सम्मान होता है, लगा लो रिस्पेक्ट होती है, वो बनी रहती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि कोई भी किसी से कोई भी बात शेयर कर रहा है। अगली बात, क्लियर एंड इफेक्टिव। इसके अंदर जो भी बातें हम पहुंचाते हैं आगे तक, वो क्लियर होती है, इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है। पर इसमें र्यूमर्स, डिस्टोर्शन, झूठी अफवाहें, ऐसी ऐसी बातें भी सब कुछ फैलती रहती हैं। अगली बात, इसके अंदर जो बातें होती हैं वो ऑर्डर के अंदर फ्लो करती हैं, पर इसमें कोई ऑर्डर का फ्लो नहीं होता है। मैंने बताया ना आपको कि ये देखो, ये ऑर्डर में फ्लो हो रहा है, एक से दूसरे के अंदर ऑर्डर चल रहा है, पर यहाँ पर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई भी बात कहीं से घूम फिर कर जा सकती है। अगली बात, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स। इसके अंदर आप पता लगा सकते हो, मान लो ई तक बात पहुंची, डी ने बोला कि, डी ने मान लो ई को इंफॉर्मेशन दी कि ये बात मेरे पास ए से होती हुई यहाँ पर आई है, तो ई अगर वेरीफाई करना चाहे कि ये बात कहाँ से आई है, तो ई सोर्स का पता लगा सकता है, ओरिजिन का पता लगा सकता है कि ये बात कहाँ से निकल कर आई है। पर यहाँ पर आप पता नहीं लगा सकते हो कि बात कहाँ से घूम फिर कर आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। जैसे अंगूर के गुच्छे के अंदर आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए आप ओरिजिन का पता नहीं लगा सकते हो बातें कहाँ से घूम फिर कर आई हैं। अगली बात, स्पीड ऑफ रिले। इसमें जो इंफॉर्मेशन भेजने की जो स्पीड होती है वो धीरे होती है, क्योंकि सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से जा रहा है, बट इसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है। जैसे जंगल में आग लगती है, इंफॉर्मेशन फैल जाती है, वैसे ही इंफॉर्मेशन इसमें बहुत जल्दी फैल जाती है। पता लगता है कि एक मिनट में बात 100 लोगों तक भी हो सकता है कि फैल जाए। इसमें रिलायबल, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है विश्वास करने के लायक होती है। इसमें इंफॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली विश्वास करने के लायक नहीं होती है, क्योंकि पहली बात तो हमको सोर्स का नहीं पता होता कि सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन कहां से घूम कर आ रही है। दूसरी बात, अफवाहें ज्यादा होती हैं, तो इसमें विश्वास करने वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आई होप आपको ये दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। हो सकता है ये टाइप्स का टॉपिक आपकी बुक के अंदर ना हो, पर ये एक बार अच्छे से देख लेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, उसको आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स के साथ, देखना मत भूलिएगा।